अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। चैप्टर नेम इज सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स। टुडे स्टूडेंट आई विल टीच अबाउट द हाउ वी प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। स्टूडेंट्स एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आ जाता है कि हाउ वी प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे तैयार किया जाता है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन आंसर इसके बता दूंगा। लुक एट हियर दिस डायग्राम स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम है, यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले होता यह है स्टूडेंट्स के सल्फर को जो है हवा में गर्म किया जाता है एक बर्नर के अंदर। जब सल्फर को हवा में गर्म करते हैं तो हमारे पास SO2 गैस बनती है। SO2 आ जाती है भी दूसरे चैम्बर में जिसका नाम है डस्ट चैम्बर। SO2 की यहाँ सफाई की जाती है, गर्द गुबार डस्टिंग वगैरह निकाला जाता है इसके अंदर SO2 में से। तो SO2 जो है फिर यहाँ पर इसकी सफाई करने के बाद SO2 को रिएक्शन करवाया जाता है दोबारा हवा के साथ यानी कि ऑक्सीजन में। तो SO2 दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। देखें SO2 जो यहाँ सल्फर को ऑक्सीजन को जलाया बर्नर के अंदर, जब सल्फर ऑक्सीजन को जलाया तो SO2 गैस बनी, SO2 यहाँ पे आई, यहाँ पे SO2 की सफाई हुई, फिर SO2 की सफाई होने के बाद SO2 इस चैम्बर में आ गई जिसका नाम है स्टीम चैम्बर। फिर SO2 यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ यानी कि हवा के साथ दोबारा रिएक्शन करती है। तो जब SO2 O2 से रिएक्शन करती है तो SO3 में तब्दील हो जाती है। SO2 ने O2 से रिएक्शन किया तो SO3 बन गई। जब SO3 बन गई तो SO3 इस पाइप के जरिए इसके अंदर आ गई जिसका नाम है वॉशिंग चैम्बर में। तो SO3 जो है यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की निगरानी में एक कैटलिस्ट है V2O5, इसकी निगरानी में इसकी सफाई की जाती है, इसकी वॉशिंग की जाती है। तो SO3 भी उसके बाद इस पाइप के जरिए इस चैम्बर में आ जाएगी स्टूडेंट्स जिसका नाम है ड्रायर के अंदर। तो SO3 जो है यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है ऊपर से डाला जाता है। SO3 के साथ जब कंसनट्रेटेड H2SO4 जब रिएक्शन करता है तो फिर ये ओलियम बन जाता है। तो ये देखें यहाँ केमिकल इक्वेशन में SO3 जो ये था, SO3 ने H2SO4 कंसनट्रेटेड के साथ जब रिएक्शन किया तो H2SO7 यानी कि ओलियम बना। फिर ये ओलियम जब इस चैम्बर में बन जाता है ड्रायर में तो ओलियम इस पाइप के जरिए इसके अंदर आ जाएगा इस चैम्बर में जिसका नाम है कन्वर्टर। कन्वर्टर में ओलियम आ जाता है, यहाँ पर ओलियम को ठंडा किया जाता है, फिर ओलियम जो है यहाँ से आ जाएगा इस पाइप के जरिए इसके अंदर जिसका नाम है ओलियम चैम्बर में। तो ओलियम चैम्बर में यहाँ को ओलियम को इस चैम्बर में ओलियम को पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं। पानी के ऊपर से वाटर का स्प्रे किया जाता है, जब वाटर ओलियम के साथ रिएक्शन करता है तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड पाइप के जरिए नीचे से इस टैंक के अंदर आ जाता है, इस टैंक का नाम है एब्जॉर्प्शन टावर। यहाँ पे H2SO4 को ऊपर की तरफ उठ के बाहर की तरफ निकल जाता है। तो स्टूडेंट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सल्फर को हवा में बंदर के अंदर जलाते हैं सबसे पहले। तो जब सल्फर को हवा में ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमारे पास SO2 गैस बनती है। SO2 जो है वो डस्ट चैम्बर में आती है, यहाँ से इसकी जो है डस्टिंग वगैरह की सफाई की जाती है। फिर SO2 इस पाइप के जरिए आ जाएगी स्टीम चैम्बर में। फिर SO2 जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो हमारे पास SO3 बन जाती है। SO3 इस पाइप के जरिए इसमें आ जाती है। फिर SO3 जो है वो यहाँ पे SO3 जो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करती है तो फिर इस पाइप के जरिए SO3 यहाँ पे आ जाएगी। SO3 को यहाँ पर फिर जो है ऊपर से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। SO3 के साथ ये रिएक्शन करता है, कंसनट्रेटेड SO3 के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करता है तो इस पाइप के जरिए ओलियम बन जाता है। ओलियम इस पाइप के जरिए इसमें आ जाता है, इस ओलियम को ठंडा किया जाता है। फिर ओलियम इस पाइप के जरिए इस चैम्बर में आएगा जिसका नाम है ओलियम चैम्बर। यहाँ पे ओलियम पानी के साथ रिएक्शन करेगा, जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स इस तरह से तैयार हो जाती है, सही है। तो मैं आपको बुक में दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे इसकी केमिकल इक्वेशंस को देखिए स्टूडेंट्स, ये सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्टैक्ट प्रोसेस से तैयारी है। ओके यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस को लिखें, हेडिंग डाली कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसके बाद लिखें सल्फर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनी, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हमने बर्नर में जब गर्म किया तो हमारे पास SO2 बना। देखें यहाँ पे सल्फर को हमने ऑक्सीजन के साथ गर्म किया बर्नर में तो SO2 बना, ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। ओके SO2 जो है, फिर SO2 जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो SO3 बन जाएगा। देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये SO2 जो है फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो SO3 बन गया। फिर SO3 इस पाइप के जरिए इसमें आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे देखें, जब SO2 ने O2 के साथ रिएक्शन किया तो SO3 बन गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखें, फिर SO3 जो बनता है, SO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करता है तो H2O7 यानी कि ओलियम बनता है। फिर ओलियम जो है पानी के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये आपको चारों केमिकल इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, ये वाली भी, उसके बाद ये SO3 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ओलियम बना, फिर ओलियम वाटर से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये चारों केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, फिर डायग्राम बना देनी है और इसका थोड़ी एक्सप्लेनेशन को पॉइंट्स में लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके तो यहाँ पर देखें, ये सबसे पहले इक्वेशन ये हो गई, S+O2 का रिएक्शन हुआ तो SO2 बना, फिर SO2O2 का रिएक्शन हुआ SO3 बना, फिर SO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन हुआ ओलियम तैयार हुआ, फिर यहाँ पे ओलियम का रिएक्शन हुआ H2O से तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो इस तरह चार केमिकल इक्वेशंस आपको फॉलोअप करनी पड़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके ये चार केमिकल इक्वेशंस आपको फॉलोअप करनी पड़ेंगी, इस तरह आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सल्फर को हवा में बर्नर के साथ, सल्फर को हवा में
हवा के साथ बर्नर में जलाया, गर्म किया तो एसओ टू बना। देखिए जैसे केमिकल इक्वेशन, सल्फर को हवा के साथ गर्म किया तो एसओ टू बना, फिर एसओ टू जो है एसओ टू इधर आया, एसओ टू ने ओ टू से रिएक्शन किया तो एसओ थ्री बना, फिर एसओ थ्री इधर आया, एसओ थ्री ने एस टू एसओ फोर कंसेंट्रेटेड से रिएक्शन किया तो ओल्यूम तैयार हुआ। फिर ये ओल्यूम जो इधर आई चौथी केमिकल इक्वेशन में, ओल्यूम ने पानी से रिएक्शन किया तो हमारे पास एस टू एसओ फोर बन गया। यही चैम्बर्स में आपको बताया था, देखें ये हमने सल्फर को ऑक्सीजन को जलाया बंदर में तो SO2 बना, ये फर्स्ट केमिकल इक्वेशन हो गई, ओके ये वाली। फिर SO2 दस चैम्बर में आई, यहाँ पे इसकी सफाई हुई, फिर SO2 सफाई होने के बाद इस चैम्बर में स्टीम चैम्बर में स्टीम फेंकते हैं, यहाँ पर दूसरी केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल होगी, SO2 फिर O2 से रिएक्शन करेगा तो SO3 बन जाएगा, फिर SO3 इधर आया, SO3 जो है इससे वैनेडियम पेंटोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ इसकी सफाई होगी, फिर ये आ जाएगा दूसरे चैम्बर में SO3, SO3 जो है यहाँ पर कंसेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर से रिएक्शन करेगा तो ओल्यूम बन जाएगा, फिर ओल्यूम यहाँ पर ठंडा होता है, फिर ओल्यूम को जो हम रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ तो SO एस टू एसओ फोर सल्फरिक एसिड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं लास्ट रिपीट कर रहा हूँ, देखें सल्फर को सबसे पहले हवा में गर्म करते हैं, हमारे पास एसओ टू बनता है, बर्नर के अंदर गर्म करते हैं, एसओ टू जो है डस्ट चैम्बर में आएगा, यहाँ इसकी सफाई होती है, एसओ टू की डस्टिंग वगैरह मट्टी गर्द वगैरह निकाला जाता है, फिर एसओ टू इस चैम्बर में आएगा, एसओ टू जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एसओ थ्री बनेगा, फिर एसओ थ्री जो है कंसेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर से रिएक्शन करेगा तो ओल्यूम तैयार होगा, फिर ओल्यूम जो है रिएक्शन करेगा पानी के साथ तो हमारे पास लास्ट में एस टू एसओ फोर तैयार हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू सी द गुड वीडियो लाइक दिस सो कैन यू डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।